हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट दैट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हम लोग को उसके बेसिस पे बताना है कि इसका पीरियोडिक टेबल में कहाँ सा फ्रैक्शन है। पहला है NH2 और NP4 फॉर एन इक्वल्स टू थ्री। तो एन का वैल्यू अगर थ्री है तो NH2 NP4 का क्या वैल्यू होगा? तो अगर n का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया 3s2 3p4, ये दिया हुआ है हमारा। तो आउटर मोस्ट सेल में आउटर आउटर मोस्ट सेल आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 प्लस 4, ये टोटल आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कि हम लोग को अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो अगर पी पे ये खत्म होता है तो पी पे जैसे ही खत्म होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 ऐड कर देते हैं। उसमें 10 ऐड कर देने से ये नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ ग्रुप पता पता जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और इसमें 10 ऐड कर दो 16, तो ये ग्रुप 16 से ये बिलोंग करेगा। कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 16 से। और पीरियड कौन सा हो गया? एन का वैल्यू 3 है तो थर्ड पीरियड है। तो इसका पोजिशन हो गया थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा का अगर हम लोग बात करते हैं, N-1 D2, फिर है NS2 और N का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। तो N का वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4-1 D2 और 4s2, तो ये 3d2 4s2 इस तरह पे खत्म होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर की, क्योंकि यहाँ पर 4s में ये खत्म हो रहा है तो ये फोर्थ पीरियड से है, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल। ठीक है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 प्लस एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, टोटल हो गया 4। तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 4 और पीरियड नंबर भी हो गया 4। तो सेकेंड का जो आंसर होगा फोर्थ पीरियड एंड फोर्थ ग्रुप। और आखिरी अगर हम लोग देखें यहां पर, तो तीसरा है N-2F7, N-1 D1 और NS2, और N का वैल्यू यहां पे 6 दिया हुआ है। तो ये 6-2 4F7, 6-1 5D1 और 6S2 इस तरह से यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो, द एलिमेंट ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। देखो एन का वैल्यू 6 पे खत्म हो रहा है तो एन का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया पीरियड तो यहाँ पे 6 है। ठीक है, एन का वैल्यू 6 तो वही पीरियड होगा, तो 6th पीरियड होगा। और जब भी कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हमेशा, चाहे लेंथेनाइट्स हो चाहे एक्टिनाइट्स हो, उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो थर्ड होगा। तो एंड थर्ड ग्रुप। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।